राधे राधे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट मुंह में घुस जाने वाले लौकी के कोफ्ते। इसके लिए मैंने एक लौकी को चॉपर से फाइनली चॉप कर लिया है और उसका पानी निकाल दिया है। ये है बेसन, ये है 2 स्पून कॉर्नफ्लोर और ये है मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, सौंफ। अब इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मिक्सर बन गया है। अब इस तरह से मैंने छोटे छोटे से इस तरह से ऐसे बॉल निकाल के रख लिए हैं और इनको लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हमने यहाँ कढ़ाई गरम होने रख दी है। अब एक एक करके सारे बॉल डालेंगे। हमें गैस की फ्लेम लो ही रखना है और इन्हें सुनहरा होने तक तलेंगे। इनको हल्के आंच से पलटते पलटते हुए लो फ्लेम पर सुनहरा होने तक सेकेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते अच्छी तरह सिक गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें ये है थोड़े से मूंगफली के दाने, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी। इनको मैंने कढ़ाई में से निकाल लिया है। और ये है टमाटर, इसमें 4 से 5 टमाटर है, 3 हरी मिर्च, 1 इंच टुकड़ा अदरक का है, इसको मैंने पीस लिया है। और अब इनको डालकर कैसे ग्राइंड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली हैं। उसके बाद अब हम सब्ज़ी बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे कोफ्ते बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे। मैं तेल डाल देंगे, हींग, जीरा, तेज़पत्ता डालेंगे और ये 4 से 5 मैंने प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। इसको हाई फ्लेम पर चलाते जाएंगे और डार्क ब्राउन होने तक सेकेंगे। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। हमारी प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गई है और इसमें टमाटर। ये है कुछ मसाले, रेड मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और एक मैगी मसाले का पाउच। इसमें तेल छूटने तक पकाएंगे।
है आज की फ्रेश की दो चम आज की फ्रेश दूध की 2 चम्मच मलाई और 1 चम्मच शक्कर इसमें डाल दूँगी। हमारी ग्रेवी पकने लगी है, अब इसको ढककर पकाएंगे ऑयल निकलने तक। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी में से ऑयल निकलने लगा है और उसमें डालेंगे पानी। और इसको ढक कर 5 मिनट और बॉईल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप अपने हिसाब से इसको गाढ़ा या पतला कर सकते हैं। अब इसमें हमारे जो हमने कोफ्ते बना के रखे हैं वो ऐड करेंगे। इसको 2 मिनट और ढकेंगे और हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे लौकी के बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बनकर तैयार है। एक बार आप ही ज़रूर ट्राई करें।